इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, इस लड़की की नाक अच्छी है लेकिन मुंह नहीं, इस लड़की के होठ अच्छे हैं, इस लड़की के आईब्रोज अच्छे हैं, इसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। वेल डन, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। आपका क्रिएटिव हेड तो जीनियस है। थैंक यू सर। तो अब ये एड तुम जॉन अब्राहम के साथ शूट करना चाहोगे, राइट? मैं भी यही बात कह रहा था सर। गौतम कहता है स्टार की जरूरत नहीं है। क्यों गौतम, क्या तुम स्टार बनना चाहते हो? Of course you are very handsome. तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर, और वैसे भी इस एड के लिए स्टार की जरूरत नहीं है। नो नो, फिल्म स्टार से एड का क्रेज बढ़ जाता है और सेल्स बढ़ जाती है। जॉन अब्राहम के कहने से कोई बाइक नहीं लेगा। अगर कहें 1000 रुपया दीजिए और बाइक लीजिए तो बाहर भीड़ लग जाएगी। बट फिल्म स्टार्स की वजह से सेल क्यों नहीं बढ़ेगी? आई एम नॉट गेटिंग योर लॉजिक। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अगर वो बेंज की एड करके खरीदने को कहेगा तो मैं खरीद थोड़ी लूंगा, क्योंकि बेंज कार खरीदने जितनी मेरी औकात है ही नहीं। लेकिन 10,000 रुपया भर के बाकी इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कहे तो मैं जरूर खरीदूंगा। या यू क्रिएटिव पीपल आर राइट, आई एम सेटिस्फाइड। एनीवे, वेल डन, गो अहेड विद द कैंपेन। थैंक यू सर। द बैलेंस पेमेंट, ऑल द बेस्ट। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मानेगा। तुमने तो कमाल कर दिया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं इंग्लिश में थोड़ा पुअर हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं ऐड करूंगा तो मुझे 2 लाख मिलेंगे। आप तो जानते हैं ना, इस महीने की 10 तारीख को मुझे किसी को 5 लाख रुपए देने हैं। अगर मेरे हिसाब के पैसे मुझे मिल जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। मयूरी एजेंसी का ऐड भी जल्दी करना है, वो ऐड भी कर दो, सारा पैसा एक साथ दे दूंगा। भगवान दास को फोन करता हूँ तो फोन ही नहीं उठाता, पता नहीं डिजाइन तैयार हुए या नहीं। फोन करता हूँ। भगवान दास जी। सर ये सेल नहीं, रिमोट है। ये लीजिए सेल। मुझे मेरा चश्मा दे दो, मैं खुद जान जाऊंगा ये रिमोट है या सेल है। ये देखो मयूरी के एमडी का फोन आ गया। हेलो सर। हाँ भगवान दास जी। कल तक तैयार हो जाएगा सर? यही बात तुम हफ्ते भर से बोल रहे हो, औरत की बिंदी की एडवर्टाइजमेंट का डिजाइन बनाने के लिए इतने दिन ले रहे हो। सर आप तो जानते हैं, औरत खूबसूरत दिखने के लिए आईने के सामने कितनी मेहनत करती है, उनको तकलीफ ना उठानी पड़े इसलिए खूबसूरत डिजाइन के लिए हम तकलीफ उठा रहे हैं। मैं कल आ रहा हूँ, आकर देखता हूँ आप कितनी तकलीफ में। ओके सर। कल है संडे, ऑफिस बंद रहेगा ये बात वो भूल गया। तुम फटाफट डिजाइन तैयार करो। सर एड के लिए काजोल को साइन करें या रानी को? उनको पैसा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बजट देखो, बजट। हीरोइन भी नहीं चाहिए, टॉपलेस मॉडल भी नहीं। सर हीरोइन के बिना ये एड नहीं चलेगा। तो शहर में सभी न्यू मॉडल खत्म हो गई क्या? उनको चांस दो, हमारा पैसा भी बच जाएगा। इतनी जल्दी खूबसूरत लड़की कहाँ से ढूंढूं सर? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तुम तो जानते हो पर ये गधा नहीं जानता। परेशान कर दिया यार इसने। दर्शन तुम मॉडल कोऑर्डिनेटर्स को फोन करके शहर की फ्रेश मॉडल्स को बुलवाओ। यहाँ पे फ्रेश मॉडल कहाँ है भाई, मुंबई से मंगवाते हैं ना। बजट बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। एक गौतम, सारा नाम की एक नई मॉडल आई है, उसको जो भी पैसे देंगे ले लेगी। ओके भेज दो। ओके रेडी? रेडी सर। चिन डाउन, स्माइल, नाउ गिव मी योर राइट प्रोफाइल। ओके लेफ्ट प्रोफाइल। मैडम आपका फोन। एक्सक्यूज मी सर। हेलो मैं फोटोशूट पे हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके सॉरी सर। इट्स ओके। स्टडी, चिन डाउन स्लाइटली। बॉस का फोन है। मत करो। हेलो सर। गौतम कहाँ है? गौतम अज माइल फोटो शूट कर रहा है सर। लुक टू द लेफ्ट नाउ। हाँ सर पहुँच जाएंगे सर, 4 बजे पहुँच जाएंगे। ओके सर। ओके सॉरी सर, सॉरी। कीप योर हेयर बैक। हाँ लता, बता क्या हुआ? ए पॉल, हाँ, मैं 5 बजे क्या कर रहा है तू? तू मुझे उधर सेलफोन जैमर लगा। कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके सर। या गो बैक। सर जैमर वहाँ रख दो। ओके सर। 4 हेड भी इनकमिंग ही नहीं, आउटगोइंग भी कम नहीं करेगा। सॉरी सर। एक्सक्यूज मी,
आपके एमडी हैं? हाँ सर, वो अंदर अपने कैबिन में हैं। मेरा चश्मा देखकर डर गई थी। May I come in? टॉयलेट में कोई परमिशन मांगता है क्या? आके कर ले। अरे बाप रे, शुक्र है लेडीज टॉयलेट में नहीं घुसा। May I come in? हाँ, आइए आशीष जी, आइए। नमस्ते भगवान दास जी। अरे उधर कैसे आता रहा? ये चश्मे के बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मेरी पास की नजर कमजोर है। अच्छा छोड़ो, डिजाइन तैयार है सर? हाँ, देखिए। ये बेबी कौन है? चश्मा पहन के देखिए। बाप रे, ये तो बहुत महंगी मॉडल है। कौन है ये लड़की? लक्ष्मी बाई। इसका झांसी भेजा। इसमें कोई दूसरी है? हाँ सर। इस लड़की का नाम? मधुमति। अच्छी लग रही है ना सर? तुझे लड़की अच्छी लगी तो इस ऐड का पैसा तू अपनी जेब से भर दे, ठीक है? इसमें एक भी मॉडल अच्छी नहीं है, सब के सब बकवास है। सर 3 दिन का टाइम दीजिए, खूबसूरत मॉडल लेकर आऊंगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट मैं दूसरे को दे दूंगा। सर लड़की सुंदर ही नहीं, थोड़ी कोऑपरेटिव भी होनी चाहिए, नहीं समझा क्या? मैं समझ गया सर, सब देख लूंगा। देखना तुझे नहीं मुझे, डिजाइन तैयार हो जाए तो मुझे बुलाना, आकर देखता हूँ, समझ गया ना? समझ गया सर। सर आप अपनी आंखें भूल गए सर। थैंक्स। क्या करें गौतम, अब इस शहर में और खूबसूरत लड़कियां कहां से ढूंढें? इस शहर में लड़कियां नहीं है। लड़कियां तो बहुत है लेकिन खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही है। खूबसूरत लड़कियां आसानी से नहीं मिलती, उन्हें ढूंढ के निकालना पड़ता है। हमारे ऐड के लिए लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, खूबसूरत होने के साथ साथ कोऑपरेटिव भी होनी चाहिए, खूबसूरत भी हो कोऑपरेटिव भी हो, हमारा ये लास्ट चांस है। इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, इस लड़की की नाक अच्छी है लेकिन मुंह नहीं, इस लड़की के होठ अच्छे हैं। इस लड़की के आईब्रोज अच्छे हैं, इसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। No one's ever got.
अरे वाह, बड़ी खूबसूरत है ये, कहाँ मिली है? मैंने बनाई है सर, इस कंप्यूटर से क्रिएट की है। गौतम, तुम मेरे लिए ब्रह्मा से भी बड़े हो। उनके चार सिर है तब जाके वो खूबसूरत लड़की बनाते हैं, तुम्हारे एक सर है और तुमने इतनी खूबसूरत लड़की बना दी। वैसे ये आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? थिंक डिफरेंटली, नया सोचना चाहिए, सोचो जरा हट के। अरे ये लड़की तो बहुत सुंदर है, इसका नाम क्या है? अभी तक सोचा नहीं। क्या रखा नहीं? इसका नाम कामाक्षी है, बिपाशा बसु की कजन है, अभी अभी मॉडलिंग के फील्ड में आई है। सही बोला, एकदम सुंदर है। आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये लड़की ही नहीं है। पागल है क्या? अरे लड़की है पर वो आ नहीं सकती। वो क्या है ना, वो कुछ ज्यादा डिमांड कर रही है। कितना? जितना देने वाले थे उसमें 5 लाख ज्यादा। 5 ज्यादा चाहिए? लगता है वो इतने में नहीं मानेगी। ऐसी बात है? मेरा बजट है 15 लाख, 5 और दूंगा तो 20 हो जाएगा। मुझे मंजूर है, यही लड़की चाहिए। तुम लोग लड़की चेंज कर दिए तो फोटो खींचना पड़ेगा मुझे इसका। थैंक्स सर। हाँ। ये लड़की बहुत बिजी है। हाँ। आप एडवांस दे दीजिए। देता हूँ, एडवांस देता हूँ। हाँ। अच्छा, तुमको 5 लाख दिए तो चलेगा? हाँ चलेगा सर। ये लीजिए पेन सर। फंस जाओगे। तुम हटो यार, वो लड़की नहीं है ना, वो फ्री तो है ना? फ्री है मतलब? मतलब उस दिन समझाया था ना तेरे को। क्या समझाया था? ये तो पूरा घसिया रहा है, इसको फिर से समझाना पड़ेगा। अरे वो कोऑपरेट करेगी कि नहीं? करेगी नहीं सर, ऑफिस में तू ही समझदार है। बर्थडे पर डायमंड रिंग, वैलेंटाइन डे पर गोल्ड की ज्वेलरी देंगे ना तो अपने आप मान जाएगी। ऐसा हाँ? मैं तुझे एक बात बताता हूँ। हाँ? मैंने एक मॉडल को उसके फिक्स प्राइस से ज्यादा पैसा दिया था। हाँ? क्योंकि वो अकेले में मुझसे मिलने आई थी। सच में? तुम कामाक्षी की सेटिंग मुझसे करवा दो, मैं तुम्हें अलग से पैसा दे दूंगा। वंडरफुल सर। हाँ? एक बहुत अच्छा आइडिया। हाँ, आप ये चेक दे रहे हैं ना। हाँ? ये अगर उस लड़की के हाथ से इनको दिलवाएंगे ना। हाँ? तो इससे इम्प्रेस होकर आपसे पड़ जाएगी। हाँ? ये मॉडल मुंबई में रहती है, तो बुलाओ उसे। मैं उस लड़की के सामने उसको चेक दूंगा, वो मेरा पैसा देखकर मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। मैं चलता हूँ, बाय। जल्दी बुला के रखना। तुम कमाल के हो सर, देखा कैसे मैनेज किया मैंने? कैसा मैनेज किया तुमने बताता हूँ। साला चेक मेरे हाथ में आते आते रह गया तेरी वजह से, और तू बीच में आके कैसा आईडिया तू मेरा? वो ऐड यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उस अंधे को तो अब मैं सबक सिखाता हूँ। जिस मॉडल के साथ वो काम करने वाला है उसे इज्जत देने के बजाय उसकी लूटने में लगा। मैं समझाता हूँ, ये अंधा कल आने वाला है ना, आने दो उसे। पर कामाक्षी कहाँ से आएगी? अरे आ जाएगी बॉस। मतलब गौतम कोई नया मैजिक करने वाला है?